मेरा नाम इमैनुअल गुड्डू है और लोग मुझे गुड्डू पाकिस्तानी के नाम से जानते हैं। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर मिंटो खास से है और मैं 13 साल से सिंध की खूबसूरती को अपनी फोटो और वीडियो के जरिए प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक कैथलिक क्रिश्चियन फैमिली से है। मेरे पेरेंट्स का ख्याल था कि मैं एक प्रीस्ट बनूंगा, तो उन्होंने मुझे इस प्रीस्ट बनने के लिए मुझे कहीं भेजा ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मेरा वो शौक नहीं था। तो मैं कुछ अरसा रहा और वहाँ से फिर मैं वापस आ गया, क्योंकि मेरे जहन में फोटोग्राफी का भूत चढ़ा हुआ था। लेकिन फैमिली के हालात की वजह से मैं ये कैमरास वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी फैमिली हम कभी कभी मिर्चों में रोटी खाया करते थे। तो फिर मैंने देखा कि कुछ ना कुछ कमाना तो है फैमिली के लिए, और मैं कहीं गया और वहाँ मैं चूना करता था दीवारों के ऊपर, और तकरीबन 2 से 3 महीने मैंने चूना किया। तो उसके बाद फिर टीचिंग की, और फिर मैंने सोचा कि यार शायद वहाँ भी मुझे वो काम भी पसंद नहीं आया। तो ये 2010 की बात है जब फ्लड आया सिंध के अंदर। तो दोस्त ने कहा कि यार एक NGO है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, और उनको एक वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर की ज़रूरत है। मैंने कहा मैं तो इस चीज़ में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। उसने बोला यार तुम एक दफ़ा आ तो सही, बहुत अर्जेंट है और उस तरह तेरा काम बन जाए। तो मैं जल्दी वहाँ गया, तो वहाँ एक बॉस थे जो वहाँ उस NGO के, उनसे मैं मिला। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह किया। तो नेक्स्ट डे जैसे ही मैं आया, मुझे कहा कि भाई आपने सखर जाना है, वहाँ फ्लड आया हुआ है। तो तब मुझे बहुत डर लगा और मैं बहुत घबराया हुआ था, लेकिन फिर कुछ मैंने शॉर्ट्स लिए, कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाई और वापस आके फिर मैंने वो अपना काम सबमिट कराया। तो फिर एक दो मेरे पास मैं बैठा हुआ था ऑफिस में, तब मुझे नया लैपटॉप दिया था उन्होंने। तो जब मैंने गूगल खोला तो पहले मैंने पाकिस्तान लिखा। जब पाकिस्तान लिखा तो सिंध की बहुत कम फ़ोटोज़ थी, इक्का दुक्का फ़ोटोज़ थी, शायद मकली की या मोहनजोदड़ो या कुछ मज़ार थे, लेकिन ज़्यादातर जो फ़ोटोज़ थी वो नॉर्दर्न एरियाज़ की आ रही थी। तो मैं सोच में पड़ गया कि यार क्यों सिंध की इतनी फ़ोटोज़ क्यों नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि लोगों को मेरी इतनी फ़ोटोज़ पसंद आ रही हैं फ्लड वाली, क्या बाकी अच्छा तुमने काम किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सिंध को प्रमोट करूं। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे मैंने क्या करना, अपनी बाइक पे निकल जाना और सिंध के मुख्तलिफ खूबसूरत इलाके जो लोगों ने कभी नहीं देखे वहाँ जाना और उनकी फ़ोटोज़ लेना, जिनमें चर्चिज भी हैं, जिनमें खूबसूरत मस्जिद भी हैं, जिनमें मंदिर भी हैं, जिनमें लोग भी हैं। खासकर आपको पता सिंध के अंदर बहुत सारी मिक्स कम्युनिटीज रहती हैं, और ख़वातीन के कपड़े, उनकी चूड़ियाँ और उनकी ज्वेलरी, और मतलब बहुत खूबसूरत हमारा पूरा सिंध। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को कुछ नया सिंध दिखाया जाए। और मुझे याद है कि काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ, मैंने एक दिन के अंदर 600 से 700 किलोमीटर का सफ़र किया होगा अपनी बाइक पर, और कभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, तो दोस्तों से पैसे उधार लेना। तो इस तरह करते करते सफ़र ये चलता रहा, और मैं टाइम टू टाइम फ़ोटोज़ नई नई जगह पर जाकर फ़ोटोज़ अपलोड करता। तो इसके बाद आस्ते 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 लोग काफ़ी मेरे फ़ैन हुए, तो काफ़ी लोग आते और मुझे कहते कि आपसे सेल्फ़ी ले लें। तो मैं बड़ा प्राउड फील करता था कि यार मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ सेल्फ़ी ले रहे हैं। तो जब ट्विटर पे मैंने फ़ोटो डालना शुरू कर दी, तो मैंने देखा कि कुछ एम्बेसीज जो हैं वो मेरे काम को शेयर कर रही हैं, और जैसे एम्बेसी शेयर करती तो मेरे फॉलोवर्स आस्ते आस्ते बढ़ रहे थे। 2020 में मेरा ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ, तो मैंने फिर हिम्मत हार दी। मैंने कहा अब मेरे से शादी काम नहीं होगा, शायद मेरा काम यहीं तक था। लेकिन 3 महीने के बाद दोबारा मैंने वही हरकत शुरू की, बाइक निकाली, आस्ते आस्ते स्लो स्लो चलाता, कैमरा अपने साथ, और घूमता, फोटो खींचता और वापस आया था घर पर और उसको अपलोड करता। और आज पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है कि सिंध के अंदर कोई गुड्डू है जिसने इतनी मुश्किल के बावजूद भी अपना काम नहीं छोड़ा। वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आज मैं यहाँ पर प्राइड ऑफ पाकिस्तान आपके सामने बैठा हूँ, मैंने अपने आप को मनवाया एक छोटे से ख़ानदान से, सिंध के मिंटो खास शहर से निकला, मैंने मेहनत की और ठान ली कि मैं अपने प्यारे वतन को पूरी दुनिया को दिखाऊँगा। अगर मैं अपने वतन पाकिस्तान को अपनी फ़ोटोग्राफी के ज़रिए इंटरनेशनली मनवा सकता हूँ, तो आप भी अपने अपने स्किल के ज़रिए अपने आप को मनवा सकते हैं और दिखा सकते हैं कि हम पाकिस्तानी किसी से कम नहीं। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने वतन पाकिस्तान की वजह से,
अपने पाकिस्तानियों की वजह से, और मुझे फख्र होता है कि जब लोग मुझे गुड्डू के साथ पाकिस्तान का यानी पाकिस्तानी कहते हैं